चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सम्स बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन लेमा यूज करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लेते हैं। पहले किस तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज होता है। सबसे पहले देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मतलब है किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप जब किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। मतलब डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वोशन्ट प्लस रिमाइंडर। तो इस फॉर्म में किसी भी दो नंबर को एक्सपांड करने को हम बोलते हैं डिवीजन लेमा हमने यूज किया। ठीक है। अच्छा, अभी डिवीजन लेमा में जब हम कोई भी पॉजिटिव नंबर को किसी दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तब हमें वो नंबर कभी कभी एग्जैक्टली डिविजिबल मिल जाता है। तब हम बोलते हैं कि भाई हमें रिमाइंडर यहाँ पे जीरो मिला है। लेकिन कभी कभी वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, तब हमें कुछ रिमाइंडर्स मिलते हैं, जैसे कि रिमाइंडर वन मिल गया, या रिमाइंडर हमें टू मिल गया, या फिर हमें रिमाइंडर थ्री मिल गया, एंड सो ऑन। हमें बहुत सारे रिमाइंडर मिलते हैं, लेकिन ये रिमाइंडर क्या आएगा वो डिपेंड करता है डिवाइजर पे। जो भी रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से छोटा आएगा। यहाँ पे डिवाइजर को हमने बी लिया हुआ है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा आएगा, लेकिन वो जीरो या जीरो से ज्यादा आएगा। ठीक है। तो रिमाइंडर बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि डिवाइजर क्या है, उसके बेसिस में कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो फिर अभी अगर हम नेचुरल नंबर्स को टू से डिवाइड करने के बारे में सोचे, तब हम सारे नेचुरल नंबर्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक इवन, जिसको हम बोल सकेंगे टू, क्योंकि सारे इवन नंबर्स टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे टू लगाया, आप ध्यान से देखो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ जीरो आएगा ना। तो अगर ये जीरो आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, बी क्यू, मतलब बी हमने डिवाइजर यहाँ पे टू लिया हुआ है, डिवाइजर यहाँ पे हमने टू लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा टू क्यू प्लस जीरो, मतलब सिर्फ टू क्यू। टू क्यू मतलब हमने इवन नंबर्स को डिवाइड किया, और अगर ऑड नंबर्स को डिवाइड किया तो टू क्यू प्लस वन, मतलब सारे ऑड नंबर से रिमाइंडर हमें वन मिलेंगे। तो ये हो गया, जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो सारे नेचुरल नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमने थ्री से डिवाइड किया तो तीन कैटेगरी में, कुछ ऐसे नंबर जो कि रिमाइंडर उनका जो है जीरो आएगा, है ना। ये थ्री यहाँ पे डिवाइजर है, तो मैंने थ्री से डिवाइड किया किस नेचुरल नंबर्स को। जब हमने कोई ऐसा नेचुरल नंबर लिया जो थ्री के मल्टीपल है, ठीक है, और हमने उसे थ्री से डिवाइड किया, तो वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है, मतलब यहाँ रिमाइंडर जीरो आता है, तब हम बोलेंगे जो भी मल्टीपल ऑफ थ्री है वो इक्वल है थ्री क्यू के बराबर, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है। मल्टीपल थ्री से डिवाइड जाते हैं तो रिमाइंडर जीरो आएंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे थ्री क्यू। और जो नंबर थ्री के मल्टीपल नहीं है उनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएंगे। जैसे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर यहाँ पे वन आ सकता है, रिमाइंडर यहाँ पे टू आ सकता है ना, लेकिन टू से ज्यादा नहीं आएगा। मैंने जैसे बोला ना, रिमाइंडर जो है वो हमेशा यहाँ पे जो भी डिवाइजर होगा उससे कम रहेगा। तो डिवाइजर यहाँ पे थ्री है तो थ्री से कम होगा, तो थ्री से कम देखो टू वन, और एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर जीरो। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो लिखना जरूरी नहीं है, मैंने लिखा नहीं, तो थ्री क्यू तक लिखा मैंने। ठीक है। उसी तरह से अगर आप फोर से डिवाइड करते हो, सारे नेचुरल नंबर्स को फोर से डिवाइड करते हो, नेचुरल नंबर मेरे कहने का मतलब एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को फोर से डिवाइड करते हैं तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स चार कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। पहला कैटेगरी फोर के सारे मल्टीपल्स, फोर के सारे मल्टीपल्स को अगर आप डिवाइड करते हो तो हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा। मतलब अगर मैंने डिवाइजर फोर लिया और तो फिर मुझे रिमाइंडर जीरो मिलेगा। जीरो अगर मिला तो हम लिखेंगे फोर क्यू। ठीक है। सारे फोर की जो मल्टीपल है उसे हम लिखेंगे फोर क्यू। लेकिन अगर वो फोर का मल्टीपल नहीं है तो फोर से डिवाइड नहीं जाएगा, तब हमें रिमाइंडर मिलेगा। तब हमें क्या क्या रिमाइंडर मिल सकता है, फोर क्यू प्लस वन, मतलब ये फोर क्यू प्लस वन, या फिर फोर क्यू प्लस टू, या फिर फोर क्यू प्लस थ्री, है ना। बस इतना, थ्री से ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि डिवाइजर फोर है और रिमाइंडर हमेशा फोर से कम होता है, तो मैंने थ्री तक लिया। ओके। उसी तरह आप आगे करते जाओ, फाइव से डिवाइड करोगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स को, तो आपको फाइव क्यू मिलेगा। फाइव क्यू मतलब फाइव के मल्टीपल्स, वहां पे रिमाइंडर आपको जीरो मिलते हैं क्योंकि सारे फाइव के मल्टीपल्स फाइव से डिवाइड होता है, तब हमें रिमाइंडर जीरो मिलेगा। मतलब ये हो जाएगा फाइव क्यू प्लस जीरो, तो सिर्फ फाइव क्यू लिख सकते हो आप, मतलब फाइव के मल्टीपल्स। और जो फाइव के मल्टीपल नहीं है उनके रिमाइंडर आएंगे। अब क्या क्या रिमाइंडर आएंगे, रिमाइंडर वन, या फिर रिमाइंडर टू, या फिर थ्री, या फिर फाइव क्यू प्लस फोर, रिमाइंडर फोर आएंगे। अब डिवाइड फाइव से हो रहा है तो रिमाइंडर फाइव से कम होना चाहिए, तो फोर तक। तो इस तरह से आप किसी से भी डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है। आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे हम पॉजिटिव नंबर्स को कितने सारे कैटेगरी में बांट सकते हैं, ये
डिपेंड करता है डिवाइजर पे। तो डिवाइजर अगर 6 है तो हम यहाँ पर हम 6 कैटेगरीज में इसको बांटेंगे। पहला कैटेगरी 6 की मल्टीपल का है, जिसको डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आता, इसलिए हम इसको लिखेंगे सिर्फ 6Q, लेकिन बाकी सारे नंबर 6 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और तो उनको डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4 एंड रिमाइंडर 5, क्योंकि 6 से कम होना चाहिए, तो 5। तो एंड सो ऑन, आप आगे भी और भी कई सारे डिवाइजर निकाल सकते हो एंड फिर आप उसको उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। तो आप समझ गए कि जब हम कोई भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो हमें क्या क्या रिमाइंडर मिल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर आप सारे पॉजिटिव नंबर्स को कुछ ग्रुप में बांट सकते हो, मतलब उनकी कुछ कैटेगरीज बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिमाइंडर। एग्जैक्टली डिवाइड हुआ तो 0, फिर नहीं तो 1, फिर तो 2, फिर 3, 5, ऐसे, मतलब जो भी डिवाइजर होगा उससे कम जितने सारे रिमाइंडर हो सकते हैं उतने सारे कैटेगरी में हम नंबर बांट सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम इस लेमा को लगा के हम कुछ प्रॉब्लम सम सभी डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम सम्स। चलिए, ये मैंने पहला प्रॉब्लम सम लिया है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक से ही है, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये सम यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। तो हम देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q+1 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जितने पॉजिटिव इवन वाले इंटीजर है वो 2Q होते हैं, हमें ये प्रूफ करके बताना है, और जो ऑड वाले पॉजिटिव इंटीजर है वो 2Q+1 के फॉर्म में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो हमने क्या किया इसको प्रूफ करने के लिए, ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और यहाँ जबकि 2Q और 2Q+1 जैसे नंबर्स, मतलब ये क्लासिफिकेशन हमें दिखाने हैं, इवन वाले को 2Q एंड ऑड वाले को 2Q+1। तो ध्यान से देखो क्यू का कोफिशियंट 2 है, मतलब डिवाइजर 2 है, तो फिर इस वजह से हमने जो डिवाइजर है, अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a=bq+r था, तो b क्या है, डिवाइजर है ना, और यहाँ देखो q का कोफिशियंट 2 है, तो हमने यहाँ पे b को 2 ले लिया। तो आप लेट में पहले यही डिफाइन करो कि आप पॉजिटिव इंटीजर को क्या डिफाइन कर रहे हो और डिवाइजर आप क्या ले रहे हो। अब हमने अभी अभी समझा था कि अगर आपने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 2 से अगर डिवाइड किया तो आप सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे प्रोसेस दिखाया दो कैटेगरी में बांटने का। देखो मैंने कैसे बताया इसको, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट a=2q+r, मतलब ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसमें बी में मैंने 2 लगा दिया तो ये हो गया 2q+r। अब हम जानते हैं कि रिमाइंडर जो होता है वो 2 डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर 2 है तो ये 2 से छोटा होगा, मतलब 0 और वन आ सकते हैं, है ना, इस तरह ये आप इसको शो करोगे। अब मैंने यहाँ पर यह भी बताया कि 0 अगर रिमाइंडर हुआ तो फिर ये क्या बन जाएगा, अब यहाँ मैंने 0 लगा दो तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2Q, तो ये मैं a का वैल्यू यहाँ 2Q बन गया, और रिमाइंडर 1 आया तो a का वैल्यू 2Q+1 हो गया। तो इस तरीके से डिवाइजर के बेसिस में मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को, मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया हुआ है उसकी क्लासिफिकेशन कर दी यहाँ पे, एक हो गया 2Q, एक हो गया 2Q+1। अच्छा, अब जो क्लासिफिकेशन में हमें 2Q मिला है ना, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे अगला पार्ट देखो, क्लासिफिकेशन तो हो गया, अब हमें बांटना है, हमें क्या डिसाइड करना है कि सारे इवन नंबर्स जो है वो 2Q होते हैं और सारे ऑड नंबर्स 2Q+1 होते हैं, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, अगर ए का वैल्यू 2Q है तो फिर ए जो है यहाँ पर इवन है ना, क्योंकि ये देखो 2Q कोई रिमाइंडर तो नहीं है, मतलब ये 2 का मल्टीपल है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि इफ ए इज ऑफ द फॉर्म 2Q देन ए इज एन इवन इंटीजर, है ना। एंड एक और बात तो ट्रू है, सारे जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, आई मीन नेचुरल नंबर जितने सारे होते हैं उनकी तो ऑड इवन के बेसिस में दो ही कैटेगरी होती है ना, तीसरी कोई कैटेगरी थोड़ी ना होती है, ऑड इवन कुछ और ऐसा नहीं होता ना, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसमें या तो आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे या तो इवन नंबर्स मिलेंगे, और कुछ तो नहीं मिलेंगे ना। अब यहां हमने देख लिया कि सारे नंबर जो इवन वाले हैं वो इस फॉर्म में है, अब सारे पॉजिटिव नंबर्स 2 से डिवाइड करने पर दो ही कैटेगरी आती है। अब अगर सारे पॉजिटिव नंबर्स ऑड या इवन के अलावा कुछ नहीं होते और मैंने इसे इवन मान लिया, ये इवन हो गया क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, कोई रिमाइंडर नहीं है, मतलब ये इवन हो गया, तो फिर ऑड वाले का तो यही होना पड़ेगा, है ना, ऑड वाला 2Q+1 ही होना पड़ेगा। तो इस बात को हमने कैसे बोला, देखो यहाँ लिखा हमने कि सारे पॉजिटिव नंबर्स या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, जो मैंने अभी बोला सारा पॉजिटिव नंबर्स सिर्फ ये दो कैटेगरी के ही हो सकते हैं। अब ये इवन वाला जो है हमने यहाँ पर बता दें कि 2Q जो है, अगर ए का वैल्यू 2Q हुआ तो ए जो है इवन होगा, मतलब इवन वाले नंबर्स 2Q के फॉर्म में आएंगे, है ना। अब फिर बचा क्या,
दो कैटेगरी में से एक तो डिक्लेयर हो गया इवन है, तो दूसरा कैटेगरी ये बच गया, और पॉजिटिव नंबर्स में दूसरा कैटेगरी ऑड होता है, तो फिर ऑड को तो यही होना पड़ेगा, तो इसको ऐसे बता दिया। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि इवन वाला 2q एंड ऑड वाला जो है 2q+1। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक से ही है, तो ये मैं कुछ बेसिक सम्स करा रहा हूँ अभी अभी तो फिलहाल नॉर्मल हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसका ब्रॉड यूटिलाइजेशन करेंगे, एप्लीकेशन हम इसका करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एक सम और आप देख लो, ये सम क्या है। शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, 4q+3। ठीक है, मतलब जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है वो 4q+1 या 4q+3 होगा। तो आप यहाँ पे एक बात तो देख सकते हो, एक बात देख सकते हो, क्यू का कोफिशियंट 4 है, इसका क्लियर मतलब ये हो रहा है शायद 4 से ही डिवाइड किया गया है, नहीं तो क्यू का कोफिशियंट 4q है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था a=bq+r। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा था कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को bq+r के फॉर्म एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए यहाँ जैसे q के कोफिशियंट में b है, तो यहाँ पर q का कोफिशियंट 4 है, मतलब हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम जानते हैं कि 4 से डिवाइड करने पर हमें चार कैटेगरी में नंबर्स मिलते हैं। पहला कैटेगरी जो कि इवन 4 के मल्टीपल्स का होता है, जिसे हम 4q बोलेंगे, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता 4 से डिवाइड करने पर। सेकेंड कैटेगरी हमने 4q+1 का देखा था, जिसमें रिमाइंडर 1 आता है। एंड थर्ड कैटेगरी था 4q+2 एंड फोर्थ कैटेगरी था 4q+3। ये चार कैटेगरी में हमने देखा था, मतलब यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा, 4 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 4 से कम रहेंगे, मतलब 3, 2, 1 एंड 0, है ना। तो ये चीज मैंने पहले यहाँ पे 4 से डिवाइड करके क्लासिफाई किया यहाँ पे नंबर्स को। ये मैंने कैसे किया मैं आपको प्रोसेस यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ए को जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर डिफाइन किया, और डिवाइजर मैंने यहाँ पे 4 रखा। बी यहाँ पे डिवाइजर है, क्योंकि ये जो डिवीजन लेमा होता है, एक्चुअली ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, वो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो इसमें बी जो है वो डिवाइजर होता है और ए जो होता है डिविडेंड होता है, तो मैंने यहाँ पर डिवाइजर को 4 लिया हुआ है। और यहाँ पर जबकि बात हमें करना है सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का, इसलिए मैंने ए को जो है डिफाइन कर दिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ये पहले आप डिफाइन कर लो, फिर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ, मतलब इसमें आप बी पे 4 लगा दो। तो बी पे जब 4 लगाया तो मुझे मिला a=4q+r। ठीक है, अब हम जानते हैं जो रिमाइंडर होता है वो 4 से कम होता है, तो रिमाइंडर अगर 4 से कम होता है और 0 या 0 से ज्यादा हो सकता है, तो फिर हमें ये चार रिमाइंडर मिलते हैं, है ना। अभी चार रिमाइंडर के बेसिस में ये मैंने देखो आपको चार कैटेगरी बताया, तो ये मैंने यहाँ पर बताया, मतलब ये जो लेमा है, ये लेमा पे हम अगर अलग अलग रिमाइंडर को अप्लाई करें, 0 अप्लाई करें, 1 अप्लाई करें, 2 अप्लाई करें, 3 अप्लाई करें, तो देखो मैंने ये अप्लाई किया तो मेरे को ये चार कैटेगरी मिले जब मैंने 4 से डिवाइड किया। अब इन चार कैटेगरी में ध्यान से देखो, ये पहला कैटेगरी क्या है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, 4 का मल्टीपल मतलब ये 4 से डिवाइड जा रहा है, तो हम इसे जो है इवन बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो सम देखा था उसमें हमने देखा था सारे इवन नंबर 2q के फॉर्म में होते हैं, और सारे ऑड नंबर जो होते हैं वो 2q+1 के फॉर्म में होते हैं, तो ऑड इवन ऐसे होता है। तो हम इसको भी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये पहला नंबर जो 4q है, उसमें से अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं और लिखूं 2 into 2q, तो ध्यान से देखो ये जो नंबर है 2 into something हो गया, तो 2 into ये जो समथिंग वाला पार्ट है ना, इसको अगर मैं m लिख दूं, m, तो देखो 2m है ना, तो 2m हो गया ये, तो 2m मतलब क्या, 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल मतलब 2q के फॉर्म में आ गया। देखिए m और q में फर्क कुछ नहीं है, क्यू भी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम भी यहाँ पर कोई इंटीजर ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपको देखना है 2 into something है कि नहीं, मतलब ये जो क्यू है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो 2 into something, तो ठीक यहाँ पर भी 2 into something के फॉर्म में आने का मतलब है ये 2 का मल्टीपल है और इवन नंबर है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया ये इवन नंबर है। अब इसकी बात देखो, आप यहाँ पे आप देखो 4q को हम लिख सकते हैं 2 into 2q। ठीक है, और जो प्लस वन है उसको मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे 2q पे अगर मैं m लगा दिया प्लस वन, क्योंकि देखो ये 2 into something है, समथिंग मतलब कुछ भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, कुछ भी इंटीजर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना है कि 2 किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो भी इंटीजर है मैंने उसको एक बार के लिए m रखा हुआ है, तो देखो ये 2m+1 हो गया, मतलब ये 2q+1 जैसा हो गया, मतलब q और m यहाँ कुछ इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 2 into some integer plus 1 इस फॉर्म में आ गया, मतलब ऑड हो गया।
ठीक इसी तरह से यहां देखो टू क्यूब प्लस टू है, सॉरी हाँ फोर क्यूब प्लस टू है, तो मैं एंटायर से टू कॉमन ले सकता हूं, तो मैं एंटायर से टू कॉमन ले लेता हूं। एंटायर से टू कॉमन लेने पर मेरे को क्या मिलता है, टू क्यूब प्लस वन ये मिलता है मेरे को, है ना। अब अगर मेरे को ये मिल रहा है तो इसको मैं m बना देता हूं, तो मुझे मिलेगा 2m। तो देखो ये 2 इंटू समथिंग हो गया, मतलब इस कैटेगरी में आ रहा है, मतलब ये इवन है ना। उसके बाद आप यहां देखो, यहां पे आप एक बार के लिए 3 को ब्रेक कर लो, 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, 4q 2 प्लस 1 ऐसे ब्रेक कर दो 3 को। अब इतना जो पार्ट है 4q प्लस 2, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो आपको यहां मिलेगा 2q प्लस 1, और जो एक्स्ट्रा एक 1 और बाकी है ना उसको आप यहां लगाओ, ठीक है यहां लगा दो, पीछे मैंने यहां लगा दिया। अब देखो ये हो गया, इसे मैं एम ले लेता हूँ, बिकॉज ये कुछ इंटीजर है, कुछ इंटीजर मतलब टू किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 में +1, 7 में +1 हो गया, तो ये देखो 2m+1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो फिर हम देखो 2m+1 मतलब 2q+1, और 2q+1 मतलब ऑड, तो देखो हमें क्या क्या मिला, यहाँ पे ये ऑड मिला, ये इवन मिला, ये ऑड मिला, ये इवन मिला, है ना। तो फिर हम इसको यहाँ पे अभी देखिए हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें यहाँ पर बोला क्या, सारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में होंगे, ये दोनों जितने भी ऑड नंबर से इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना था, और हमें 4 से डिवाइड करने पर चार टाइप मिल रहा है, चार टाइप में हमें बोले कि ये वाला टाइप और ये वाला टाइप ऑड होना है, ये मैं प्रूफ कर रहा है। तो देखिए हमने प्रूफ तो किया ना, क्योंकि जो भी ऑड नंबर्स होते हैं वो इस टाइप के फॉर्म में आते हैं। तो जब मैंने इसको ब्रेक किया तो मुझे ये टाइप मिला ना यहाँ पर, मतलब ये ऑड है ना, ये फिर दूसरा वाला ये भी हमें उसी टाइप का मिला, है ना। 2 इंटू समथिंग प्लस 1, 2 इंटू समथिंग, देखिए समथिंग को मैं क्यू लिखू एम लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्यू नहीं लिखा क्योंकि क्यू तो यहां पर भी था, इसलिए मैंने कुछ और वेरिएबल डाल दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है सीधा कि 2 इंटू समथिंग प्लस 1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू समथिंग प्लस 1 आ गया, तो जो भी इस फॉर्म में आता है वो ऑड होता है। तो ये दोनों हमें 2m+1 के फॉर्म में आया, लेकिन ये जो पहला वाला और थर्ड वाला ये हमें 2m के फॉर्म में मिला, मतलब 2m मतलब 2 इंटू समथिंग, 2q इवन वाला फॉर्म। तो ये बात क्लियर हो गया। आप यहां पर भी इस तरह से एक्सपांड करके यहां पर भी ऑड इवन डिक्लेयर कर सकते हो, और बाद में आप जो कंक्लूशन है वो पुट कर सकते हो। कंक्लूशन यहां पर जैसे आपको क्या डालना है, आप यहां पर ऑड इवन मेंशन करने के बाद आप यहां लिख दो, दस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 4q+3 वेयर क्यू इज सम इंटीजर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का किया, मैंने इसमें क्या बोला पहले कि ए इज ऑड इंटीजर, क्योंकि हमने लेट में तो वही डिफाइन किया था ना, ए क्या चीज है लेट में। अब इधर देखो लेट में, देखो लेट में हमने क्या बोला था, ए को बोला था एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला था। तो अगर ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो फिर ये 4q और 4q+2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यहां पर अभी चेक किया, ये तो हो ही नहीं सकते, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑड इंटीजर है, इसलिए ये दो नंबर नहीं हो सकते। इसलिए जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो सिर्फ ये वाला और ये वाला होगा, ये हमने यहाँ पे कंक्लूजन में डाला। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो इसी तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपके बुक में कुछ और भी समस्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, ये एग्जाम और है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, देखिए हम पढ़ते हैं एक बार इसमें क्या लिखा हुआ है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो अभी ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला, हमें बोले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाना है, वो तो लगाना ही है क्योंकि हम तो उसी पे सम्स डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम सम्स बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो वो तो लगाना ही होगा। एंड सम क्या है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर आप उसका स्क्वायर करते हो वो या तो 3m या तो 3m+1 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हमें यह बात प्रूफ करना है, तो चलिए हम देखते हैं अभी ऐसा कौन से नंबर्स हैं जिनको स्क्वायर करने के बाद 3m या 3m+1 के फॉर्म में आएगा, यह भी एक बात है। अब ध्यान से देखो, जैसे 3 के जो अगर देखिए हम डिवाइड 3 से करें पॉजिटिव इंटीजर्स को, देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स तो हम सारा ही लेंगे, सारा पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है डिवाइड किससे करना है, ठीक है। डिवाइड हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद तो ये आएगा ना, हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे और फिर हम उसे ब्रेक करेंगे, लेकिन बोला है उनको स्क्वायर करने के बाद वो इस फॉर्म में आएंगे, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो डिवाइड करना किससे, तो डिवाइड हम 3 से करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर जितने सारे नंबर्स आते हैं वो 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में आता है, 3 इंटू समथिंग प्लस रिमाइंडर कुछ ऐसे ही फॉर्म में आएगा। अच्छा अब यहां बात करना है स्क्वायर करना है इनको, अगर हमने इनको स्क्वायर किया है, अब मान लो रिमाइंडर 0 है, एक बार के लिए मान लो 3q ये ऐसे आ जाएगा, रिमाइंडर अगर मैंने 0 लिया,
अच्छा, अब अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलना है? नाइन क्यू स्क्वायर, ये मिलेगा ना। अच्छा, नाइन क्यू स्क्वायर को आप थ्री इंटू समथिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो? सोच के देखो, नाइन क्यू स्क्वायर इसको थ्री इंटू समथिंग, थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर, चेक करो, थ्री क्यू स्क्वायर इंटू थ्री करेंगे तो नाइन क्यू स्क्वायर ही आता है ना। तो ये क्यू स्क्वायर क्या चीज़ है? समथिंग है, तो थ्री इंटू समथिंग तो आ रहा है ना। तो देखो, थ्री से डिवाइड करने पर हमें जो भी नंबर मिलेंगे, जितने भी क्लासिफिकेशन मिलेंगे, उनका स्क्वायर करने के बाद हमें ये सारे क्लासिफिकेशन मिलेंगे, मतलब वो स्क्वायर करने के बाद इस फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो है आपको डिवाइजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइजर ऐसा कंफर्टेबल डिवाइजर होना चाहिए जिसको आप जब स्क्वायर करोगे तो ये हमें मिल जाने चाहिए। तो हम यहाँ पर डिवाइजर को थ्री ले रहे हैं, और बात हमें करना है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो मैंने ए डिफाइन कर दिया, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मेरे कहने का मतलब है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, तो ए कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और सारे नेचुरल नंबर्स को मैं डिवाइड करूंगा थ्री से। अब आपको बताइए, थ्री से डिवाइड करने पर उसकी तीन कैटेगरी बनती है। अब मैंने इसको पूरा पहले जैसे शो नहीं किया, मैं सीधा लिख दिया, थ्री से डिवाइड करेंगे ना पॉजिटिव इंटीजर्स को, वो तीन कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि थ्री अगर डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या होगा? थ्री से कम होंगे, बट जीरो या जीरो से ज्यादा हो सकता है, मतलब थ्री से कम क्या क्या रिमाइंडर होंगे? टू वन जीरो, है ना, तीन कैटेगरी में आ गए। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने अप्लाई किया थ्री से डिवाइड करने पर, तो मेरे को उससे थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस टू मिल गए। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन क्या था? ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, और बी में मैंने क्या लिया? थ्री, मतलब थ्री क्यू प्लस आर, और आर में फिर हमने एक एक करके रिमाइंडर लगाया, जो भी रिमाइंडर लगाएंगे वो थ्री से कम लगाएंगे, मतलब टू थ्री सॉरी टू वन और जीरो। तो हमें ये तीन क्लासिफिकेशन मिले, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स तीन ग्रुप में बढ़ गए। ठीक है, अब हमें देखना है एक एक ग्रुप को स्क्वायर करके देखना है क्या हमें थ्री एम या फिर थ्री एम प्लस वन मिलता है, यही हमें प्रूव करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये तीन ग्रुप मैंने वन बाय वन केसेस बनाए। जैसे मैं केस वन में मैंने इसको लिया, ये लिया, अब हम स्क्वायर करेंगे इस पॉजिटिव इंटीजर का। स्क्वायर हमने किया ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करने पर देखो यहां पर क्या हुआ, ए का स्क्वायर हो गया और थ्री क्यू का स्क्वायर हो गया नाइन क्यू स्क्वायर। अब नाइन क्यू स्क्वायर को हम थ्री इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहां पर थ्री लिखा, थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर होता है, तो ये समथिंग के कैटेगरी में चला गया। समथिंग मतलब थ्री इंटू समथिंग समथिंग, सपोज मैंने एम लिया और मैंने यहां डिफाइन कर दिया एम, मैं किस समथिंग को बोल रहा हूँ ये आप डिफाइन कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर देखो ए स्क्वायर मतलब जो भी पॉजिटिव इंटीजर था उसका स्क्वायर करने पर मुझे 3m मिला। तो ये जो क्वेश्चन में इन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने से 3m होता है, ये तो प्रूफ हो गया केस वन में, तो प्रूफ हो गया। बट हमें इतना जल्दी नहीं है, यहां पर देखो तीन कैटेगरी है, हमें तीनों कैटेगरी में चेक करना है, ये नहीं कि फर्स्ट कैटेगरी में चेक कर लिया, अब सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में भी चेक करेंगे। तो सेकंड कैटेगरी मैंने ले लिया कि यहां पर ए इज इक्वल थ्री क्यू प्लस वन है, देन हमने यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया थ्री क्यू प्लस वन, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए ये बाइनोमियल है, सो ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है आइडेंटिटी। तो ये मैंने आइडेंटिटी यहां लगा दिया, तो नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू प्लस वन आ गया। ये मैंने ट्वाइस ए बी लगा दिया, ठीक है, ट्वाइस ए बी में मुझे सिक्स क्यू मिला, बी स्क्वायर में वन मिला और ए स्क्वायर में नाइन क्यू स्क्वायर मिला। ठीक है, आ गया ना। अच्छा, अब मुझे देखो इसे थ्री से डिवाइड करना, क्योंकि मुझे लिखना थ्री इंटू समथिंग के फॉर्म में। अब देखो इसमें से तो थ्री नहीं लिया जा सकता कॉमन, क्योंकि ये थ्री से कम है। ठीक है, हम थ्री से डिवाइड, सीधी बात, इसे थ्री से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी थ्री के बराबर या थ्री से ज्यादा होता है वही डिवाइड होता है थ्री से, अदरवाइज थ्री से डिवाइड नहीं होता। तो ये थ्री से काफी कम है, डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये दोनों टर्म थ्री से डिवाइड होंगे, मतलब हम तीनों दोनों से थ्री को कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों से मैंने थ्री को कॉमन ले लिया, तो इसमें से थ्री कॉमन लिया तो ये बन गया थ्री क्यू स्क्वायर, इसमें से थ्री कॉमन लिया तो मुझे मिल गया सिर्फ थ्री क्यू, है ना। ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये थ्री से कम है, तो ये बाहर एज इट इज रहेगी, इसमें से मैंने कॉमन नहीं लिया। कॉमन लेना मतलब डिवाइड ही करना, डिवाइड करके जो क्वेश्चन आता है वो अंदर लिखना, सीधी बात। ठीक है, तो हमने ये थ्री कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट में जो भी आया ये चला गया समथिंग के कैटेगरी में। चलिए समथिंग को हम एम डाल देते हैं, और यहाँ डिफाइन कर दो एम कौन सा समथिंग है, किसको मैंने समथिंग माना हुआ है। तो ये जो भी है सम इंटीजर है, तो इस सम इंटीजर को मैंने एम ले लिया, यहाँ पर एम कोई एक इंटीजर है और उस इंटीजर का वैल्यू कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये देखो अभी 3m प्लस 1 के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या था, हमें 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तो ये सेकंड वाला केस तो 3m प्लस 1 आ गया, आ गया ना। फ्री कर सकते हो केस 3, केस 3 अब ठीक वैसे ही कर दो। तो केस 3 में हम क्या लेंगे, यहां पर तीसरा कैटेगरी क्या था, 3q प्लस 2, है ना। तो चलिए थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में हमने जो a इक्वल 3q प्लस 2 को ले लिया, 3q प्लस 2 पॉजिटिव इंटीजर है, तो
तो पॉजिटिव इंटीजर को हमने फिर स्क्वायरिंग बोथ सेट किया, स्क्वायरिंग बोथ सेट करने पर ये ए स्क्वायर हो गया और ये बाइनोमियल है इसका स्क्वायर कर दिया, बाइनोमियल इसमें भी हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया तो ये ए स्क्वायर का रिजल्ट, ये ट्वाइस है भी और ये बी स्क्वायर फोर आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पर थ्री कॉमन लेना है, मतलब थ्री से डिवाइड करना है, तो देखिए ये थ्री से डिवाइड होता है, अगर मैंने इसे थ्री से डिवाइड किया तो ये यहाँ पे क्वोशेंट आएगा थ्री क्यू स्क्वायर, मतलब ये डिवाइड होता है सीधी बात। 12q ये भी 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 4q 4 को डिवाइड करना मुश्किल है, 4 डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर मैंने 4 को डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा। तो मतलब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 प्लस 1, मतलब सीधी बात मैं इसको 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 को डिवाइड कर दिया, 3 प्लस 1 लिख दिया, मतलब मैंने 3 इसे 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 1 से कम होता है, ठीक है, तो ये फर्दर और डिवाइड नहीं होगा, तो ये तीनों पार्ट इजीली 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करना मतलब मैंने 3 को कॉमन ले लिया और ईच टर्म को 3 से डिवाइड करने पर जो भी क्वोशेंट आता वो मैंने अंदर डाल दिया। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 क्यू आएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, आ गया ना। एंड ये जो प्लस 1 रिमाइंडर था ना जो 3 से कम था उसको मैंने अलग लिख लिया। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आ गया इसे हम रीड करेंगे समथिंग, मतलब सम इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, उसको मैंने m डिफाइन कर दिया यहाँ पे और यहाँ मेंशन भी कर दिया m का वैल्यू ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये इंटीजर है ना, m का वैल्यू ये इंटीजर हो गया। तो देखिए ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें देखना था जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर करने से वो या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये आएगा। तो देखिए मैंने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को तीन कैटेगरी में बांटे थे, है ना, ये तीन कैटेगरी में बटेगा, मतलब ये डिपेंड करता है डिवाइजर पे। ठीक है, तो सही डिवाइजर सिलेक्ट करना होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सही डिवाइजर सिलेक्ट करो तो वो आराम से आपको पता चल जाता है। यहाँ पर जो भी m होता है वेरिएबल, हाँ ये आप इधर देखो, जो भी m होता है ना उसका जो भी कोफिशियंट होता है उसी से आपको आइडिया लग जाता है क्या हमें डिवाइजर लेना चाहिए। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान देना है हमें यहाँ पे उन सारे पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर करने के बाद भी चाहिए। तो मैंने 3 सिलेक्ट किया क्योंकि 3 को स्क्वायर करने पर 9 होता और 9 को हम 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 9 इक्वल्स 3 इंटू समथिंग, तो ये 3 इंटू समथिंग आ रहा है ना, इसलिए मैंने डिवाइजर 3 लिया। और डिवाइजर जब हमने 3 लिया सारे पॉजिटिव नंबर की तीन कैटेगरी बन गई और तीनों कैटेगरी में हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमें दिखा कि तीनों में से या तो एक कुछ कैटेगरी इसमें आ रहा है तो कुछ इसमें आ रहा है, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं मिला। ठीक है, सिर्फ ये दो ही मिला, तो ये बात प्रूव हो गया कि सारे पॉजिटिव नंबर्स सिर्फ स्क्वायर करने के बाद इन दो कैटेगरी में ही आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे कंक्लूशन यहाँ से ऐसे लिखोगे, ये आप क्वेश्चन से ही कॉपी कर सकते हो कंक्लूशन, दस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, यहां तक आप कंक्लूशन लिख दो। तो मैंने यहाँ पर लास्ट में इस कंक्लूशन को यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Prove that if x and y are odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. बहुत ही सिंपल बात है, आपको एक एक चीजों को बारीकी से समझना होगा। पहले आपको क्या गिवन में दिया अब उस पर फोकस करो। पहली बात, ये x और y दोनों odd positive integers है और ये एक आपको एलजेब्रा दिया हुआ, इन दोनों odd positive integers का बनाया हुआ एलजेब्रा है, आपको प्रूव करना है ये इवन तो है बट 4 से डिवाइड नहीं जाता। ठीक है, चलो ये हम देख लेंगे। अभी आपको लेना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान से देखो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और वो भी डिविजिबल बाय 4। तो आपने देखा था 4 से डिवाइड करने पर हमें चार कैटेगरी मिलते हैं, 4q 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, तीन कैटेगरी मिलते हैं, याद है ना। और हमने एक सम भी किया था, प्रूव दैट कि जो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म में आएगा, है ना, तो ये हमने पढ़ा था। तो हमने क्या किया, इन दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लेट में ले लिया और लिखा कि लेट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी ऑफ द फॉर्म 4q+1 एंड 4q+3। अच्छा, उसके बाद डिफाइन कर दिया दोनों में से x और y कौन है, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर x और y अपने मर्जी से किसी को भी बता सकते हो, मैंने इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, ये लेट में आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। फिर हमने इसको इस एलजेब्रा में डाल दिया, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप इसमें जस्ट एलजेब्रा में पुट कर दो। x का वैल्यू हमने 4q+1 लिया तो x में हमने वैल्यू डाला और x का जो स्क्वायर है उस वैल्यू पे स्क्वायर लगा दिया। फिर y को हमने 4q+3 लिया हुआ, y पे हमने 4q+3 डाला और y का जो भी स्क्वायर है वो वैल्यू पे डाल दिया, वैल्यू पे स्क्वायर डाल दिया। फिर हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये ट्वाइस भी हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक, इसमें भी हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये ट्वाइस भी हो गया और यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, देन हमने लाइक टर्म्स ढूंढ के कैलकुलेट किया, लाइक टर्म्स में हमें 16q² 16q² 32q² मिला।
8 क्यू और 24 क्यू 32 क्यू मिल गया, 1 और 9 मिलके 10 हो गया, ठीक है। अलजेब्रा सॉल्व हो गया, यहां तक हो गया। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है सुनिए, यहां पे बोल रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन है बट डिविजिबल नहीं होता 4 से, ये चेक करना। तो हम फर्स्ट केस में जाते हैं, पहले हमें देखना है इवन है कि नहीं। अब हमने देखा था जितने सारे इवन नंबर्स है वो 2q के फॉर्म में आते हैं, और जो इवन नहीं है वो ऑड है वो इस फॉर्म में आते हैं। हमने सम प्रूव किया था ना, आज का जो सबसे पहला सम था वो हमने यही प्रूव किया था। तो हम इवन की टेस्टिंग हम इसी से कर लेंगे, अगर ये फॉर्म में आ गया तो फिर वो इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। तो चलिए हमने इसको इक्वेशन मार्क कर लिया, और हमने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमने इसको एक बार के लिए कॉपी किया, और फिर हमने यहाँ से सबको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि सारे नंबर 2 से डिवाइड होगा तभी ये 2 का मल्टीपल बनेगा और ये इवन नंबर बन जाएगा। तो हमने इसको डिवाइड किया 2 से, 2 से डिवाइड करने पर हमें क्वेश्चन 16 क्यू स्क्वायर मिला, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है। इसे भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें 16 क्यू मिला, इसको भी 2 से डिवाइड किया तो 5 मिला। 2 से डिवाइड करने पर जितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने अंदर लिखा और डिवाइजर को मैंने बाहर रखा, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉमन लेना, या फिर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया। तो देखिए यहां पर ये 2 इंटू सम इंटीजर आ गया, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसे आप कुछ इंटीजर मान लो। तो मैंने इस इंटीजर को m से रिप्रेजेंट किया और यहां बोल दिया कि m का जो वैल्यू है वो ये वाले इंटीजर से यहां पे मेंशन कर दिया। तो आगे ये 2m, तो जो भी नंबर 2m मतलब 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में आता है वो इवन होता है। तो मैंने यहां डिक्लेयर कर दिया कि ये जो एल्जेब्रा है वो इवन है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ कर रहा है कि ये इवन तो है बट 4 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर हमें 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन 1 को फिर से यहाँ पे कॉपी किया, तो ये इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब हमें यहाँ पर 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम, ईच एंड एवरी टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 32 क्यू स्क्वायर 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि 8 4 32 डिवाइड होता है, ये भी 8 4 32 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 डिवाइड नहीं होगा। अगर मैंने 10 को डिवाइड किया 4 से तो देखो क्या होता है, 4 2 8 होता है, माइनस करने पर हमें 2 मिला, रिमाइंडर मिला ना। तो मैं कैसे लिखूंगा 10 को, 4 इंटू समथिंग, समथिंग कौन है, समथिंग 2 है, तो 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना 2, तो 4 2 कितना हुआ, 4 2 हो गया 8 और यहाँ पर 2, तो मैंने यहाँ पर जो 10 है उसको ब्रेक कर दिया 8 प्लस 2, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मैंने सबको डिवाइड करना भी, ये डिवाइड मैंने किया, ये डिवाइड नहीं हो रहा था, तो मैंने जब इसको डिवाइड किया मेरे को रिमाइंडर एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो भी बचे हुए हैं सारे नंबर 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो मैंने इसको डिवाइड किया क्वेश्चन 8 मिला, इसको डिवाइड किया क्वेश्चन 8 मिला, इसको डिवाइड किया क्वेश्चन मेरे को 1 मिला, डिवाइजर मैंने बाहर रखा हुआ है। और ये तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये डिवाइजर से छोटा है, जो भी डिवाइजर से छोटा होता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर को कोई डिवाइड नहीं करता कभी, है ना, रिमाइंडर एज इट इज लिखते हैं, तो हमने रिमाइंडर लिखा हुआ है। तो ये अंदर सारे क्वेश्चन है, ये तीनों टर्म को डिवाइड किया, उनके क्वेश्चन अंदर लिखे हुए, डिवाइजर मैंने बाहर लिखा, मतलब मैंने इन तीनों से 4 को कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 कॉमन आ गया। और ब्रैकेट के अंदर जो भी उसे क्या बोलेंगे हम, समथिंग मतलब सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस पॉजिटिव इंटीजर को मैंने यहाँ m ले लिया, सो हियर m इज इक्वल्स 8q² + 8q + 1, ये मैंने डिफाइन कर दिया m का वैल्यू। एक ही सम के अंदर m के अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, कि ये कोई हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू थोड़ा मिल रहा है, ये आर्बिट्री फॉर्म में है, क्यों है यहाँ पे आर्बिट्री फॉर्म में थोड़ा कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पर m भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये भी एक आर्बिट्री है, इसलिए यहाँ पर एक ही सम में m, क्योंकि ये तीन अलग अलग केस है, कोई केस किसी से कोई लेना देना नहीं होता, तीनों केसेस टोटली एक दूसरे से अलग है, सॉरी दो केस मैंने जो बनाए, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 को एक बार यहाँ यूज किया, यहाँ एक बार यूज किया, तो दोनों में ये दो अलग अलग केसेस है, इसका लेना देना नहीं है इससे, इसका कोई मतलब वैल्यू जो है हमने यहाँ यूज नहीं किया, टोटली डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर एम का वैल्यू यहाँ क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है कि हमने यहाँ पर एम का वैल्यू क्या लिया, क्योंकि ये सारी चीजें आर्बिट्री के फॉर्म में, ये अलग अलग केसेस है, ठीक है। तो इसके साथ आप इससे रिलेट मत करो कि यहाँ पे एम इतना हो सकता है, ये एम इधर इतना कैसे हो गया, ये कोई लेना देना नहीं है, टोटली अलग केसेस है, हमने यहाँ का कोई वैल्यू इधर यूज नहीं किया, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये एम हर एक ही केस, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग मिल सकता है, ठीक है, ये काफी लोगों के कई बार डाउट्स होते हैं। तो चलिए हम पॉइंट में आते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 कर रहे थे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें से 4 कॉमन लिया तो ये समथिंग आ गया, समथिंग को m लगा दिया तो 4 इंटू समथिंग प्लस 2 आ गया। अब देखो 4m प्लस 2 के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये मैंने जब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर बताए थे तो मैंने देखा था कि पॉजिटिव इंटीजर्स 4 कैटेगरी में बट रहे थे, 4 में से एक कैटेगरी था जो टोटली 4 से डिवाइड हो रहा था, मतलब
फोर का मल्टीपल, और बाकी जितने सारे ये फोर के मल्टीपल नहीं थे, फोर से डिवाइड नहीं हो रहा था, इनमें रिमाइंडर आ रहा था। तो इनमें से एक है 4 क्यूब प्लस 2, जो हमारा यहां पर भी आया है 4m प्लस 2। ये देखो 4m प्लस 2, मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर डिवाइड होता ये तो 4q के फॉर्म में आता ना, 4q के फॉर्म में आता है, 4q के फॉर्म में तो नहीं आया। 4q प्लस q लिखो या m लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये 4m है, सम इंटीजर है, प्लस टू रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, तो रिमाइंडर आने वाला नंबर 4 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो लिख दो ये जो अलजेब्रा है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए यहां पर ध्यान से, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर सच देन ए इज ग्रेटर देन बी, then prove that one of the two numbers a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and the other is even। तो ये information हम ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहली information है कि यहाँ पे दो odd positive integers हैं जिनको इन्होंने a और b से define किया है, जिसमें से a b से बड़ा है, ये हमारा given information है। अब हमें proof करके दिखाना है कि इन दोनों positive integers से बना हुआ एक algebra है a plus b by 2 and दूसरा a minus b by 2 है। अभी बोला इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर से बने हुए दोनों एलजेब्रा में से एक ऑड होगा एक इवन होगा, वो तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा कि एक ऑड होता है कि नहीं, दूसरा इवन होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। अभी बात है, हमें यहाँ पर दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। अभी मैंने आपको जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन समझाए थे कि जब हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स आई मीन नेचुरल नंबर्स को, तो सारे नेचुरल नंबर्स कुछ कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। तो हमें देखना है कि कौन से कैटेगरी से हमें दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेने चाहिए। देखिए अगर हम टू से डिवाइड करने की बात करें तो हमें वहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिल, मतलब दो कैटेगरी मिल रहे थे, एक 2q एक 2q प्लस 1, जिसमें से एक इवन था एक ऑड था। इसमें हमें एक ही ऑड नंबर मिलता है, तो यहाँ हमें दो ऑड नंबर नहीं मिलता इस सीरीज में से, तो हम इस सीरीज में से कोई नंबर नहीं लेंगे। सेकेंड कैटेगरी है 3q 3 से अगर डिवाइड करें तो, हाँ 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 एंड हाँ ये 3 आ रहे हैं। तो इसमें से एक प्रॉब्लम है 3 के टेबल में, मतलब 3 इंटू समथिंग के फॉर्म में जब कोई नंबर आता है तो हम बिना Q का एक्चुअल वैल्यू जा रहे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो नंबर है ऑड या इवन है, क्योंकि देखो 3 के टेबल में आने वाला जो नंबर है इसमें क्या मल्टीप्लाई होता है उसमें डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे ऑड मिलेगा ना इवन मिलेगा, है ना। इसमें ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते, अगर मैंने ऑड नंबर मल्टीप्लाई किया 3 में तो मुझे ऑड मिलेगा, अगर मैंने यहाँ इवन नंबर रखा 3 में मल्टीप्लाई किया तो मुझे इवन नंबर मिलेगा। मतलब ये जो चीज है मुझे कभी ऑड देता कभी इवन देता, तो इस वजह से यह कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि हमें ऑड मिल रहा है ना इवन मिल रहा है। तो इस सीरीज में से ऑड इवन डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम है, तो इस सीरीज में से भी हम यहाँ पे दो ऑड नंबर नहीं लेंगे। सेकेंड सीरीज है 4 का, अगर हम 4 का सीरीज लेते हैं तो हमें मिलता 4q 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3, ये सीरीज मिलता है। अब हमने इस सीरीज में से पहले भी एक बार देखा था कि जो इसमें ऑड वाले नंबर है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 आते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद और भी हमारे पास सीरीज है, जैसे 5 की सीरीज आप मत लेना क्योंकि सेम कंडीशन ये 6 3 जैसा ही होता है। जिस तरह 3 के सीरीज में ऑड इवन डिसाइड करना मुश्किल होता, कंफर्म नहीं होता, हाँ वो टोटली क्यू पे छोड़ देते हैं कि क्यू क्या चीज है उस पर डिपेंड करता है ऑड आएगा ना इवन होगा, लेकिन क्यू हमारे पास तो कुछ भी इंटीजर हो सकता है, इसलिए ऑड इवन दोनों ही आने का चांस है, कंफर्म नहीं है कि ऑड होगा ना इवन होगा। इस वजह से हम 3 के सीरीज में ऑड इवन नहीं ले सकते। ठीक वैसे ही 5 के सीरीज में भी होता है, 7 के सीरीज में भी होता है, 9 के सीरीज में भी होता है। मेरे कहने का मतलब है सारे ऑड नंबर के सीरीज में भी यही प्रॉब्लम आता है, वहां से ऑड नंबर इवन नंबर आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए आप इवन नंबर वाले सीरीज में से लो। जैसे 4q का सीरीज लिया, 6q का सीरीज आप ले सकते हो, 6q 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 6q प्लस 5, ओके ऐसे सीरीज में से आप आराम से ऑड इवन डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे 6q का सीरीज में हमेशा इवन आता है, यहाँ 6q प्लस 2 भी इवन ही होता है क्योंकि किसी भी इवन में 2 प्लस करो तो इवन ही होता है, 6q प्लस 4 इवन में से इवन प्लस करो तो इवन ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 ये तीनों ऑड नंबर्स है, तो यहाँ भी ऑड नंबर्स है, तो इनमें से भी आप कोई भी दो ऑड नंबर निकाल सकते हो। और यहाँ पे आप ये जो ए और बी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन ए और बी का जो वैल्यू है आप इस सीरीज में से भी ले सकते हो। तो जितने सारे इवन नंबर के सीरीज होते हैं, जितने सारे जैसे 8 का सीरीज ले लो, 10 का सीरीज ले लो, 12 का सीरीज ले लो, ऐसे सीरीज में आपको ऑड नंबर आसानी से मिल जाएंगे, उन ऑड में से आप कोई भी दो ऑड नंबर आप सेलेक्ट कर लो। तो मैंने इतने आगे तक नहीं सोचा, मैंने सिर्फ
जो सबसे पहले वाला जो सीरीज मेरे से मेरे को जिस सीरीज में सबसे पहले दो ऑड नंबर मिल जाए मैंने वही सीरीज ले लिया। अब ये शुरू से अगर आए तो सबसे पहला यही फोर वाला सीरीज है जिसमें मेरे को दो ऑड नंबर मिल रहे हैं, उसके बाद इसमें तीन मिल रहे हैं, उसके बाद आगे चलोगे और ज्यादा मिलेगा, लेकिन सबसे पहला सीरीज यही है जिसमें दो ऑड नंबर मिल जाते हैं, तो मैंने ये सीरीज में से दो ऑड नंबर यहाँ ले लिए। ठीक है, ये दो ऑड नंबर लेने के बाद यहाँ पे आप डिफाइन कर दो कि ए कौन है बी कौन है। डिफाइन करने से पहले आप इस पे ध्यान जरूर देना, इसमें ए बी से बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा है 4q+3, तो आप ए पे 4q+3 डाल दो, बी पे आप 4q+1 को यहाँ डाल दो। तो ए और बी डिफाइन करने के बाद इन एलजेब्रा पे वैल्यू डालना है और फिर आपको वैल्यू निकाल के चेक करना है कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि प्रूफ करो दोनों में से एक ऑड होगा एक इवन होगा, ये प्रूफ करना। ये नहीं प्रूफ करना अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया कि दोनों ही ऑड आ गए या दोनों ही इवन आ गए तो नहीं चलेगा। ओके, आपको प्रूफ करना है कि दोनों में से एक और एक ही बनोगा, ये हमें चेक करना। तो चलिए हम इन एलजेब्रा पे ए और बी के वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैंने ए प्लस बी बाई टू में वैल्यू डाले, ए में वैल्यू डाला है 4q+3, बी में वैल्यू डाला 4q+1, ये वैल्यू डाले, सॉल्व किया, सॉल्व करने पर मेरे को ये एक्सप्रेशन मिला। मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया क्योंकि 4 कॉमन जा भी रहा है, 4 कॉमन लिया मेरे को अंदर मिला 2q+1 एंड बाई टू। ठीक है, अब 2 से मैंने 4 को कैंसिल कर दिया तो मेरे को यहां पर मिल रहा है 2, तो 2 इंटू समथिंग मैंने यहां लिखा हुआ है समथिंग, एंड देखिए समथिंग कुछ भी हो सकता है तो मैंने इसको m से रिप्लेस कर दिया, मेंशन कर दिया m कितना है यहां पे 2q+1 है, तो ये मेरे को 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी किया था आज हमने कि जो 2q के फॉर्म में आता है वो इवन होता है एंड जो 2q+1 के फॉर्म में आता है ऑड होता है। तो देखिए यहां पर जो है ना ये 2m के फॉर्म में आ गया, मतलब ये इवन है, तो a प्लस बी बाई टू तो इवन निकला। ठीक है, तो अभी दूसरा अलजेब्रा है a माइनस बी बाई टू, ये अलजेब्रा है, हम इसको यहाँ लेते हैं और फिर यहाँ पर a और b के वैल्यू डालते हैं। a का वैल्यू 4q+3, b का वैल्यू 4q+1, ये हमने वैल्यू डाला, अब बीच में माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, माइनस से ब्रैकेट ओपन करने पर दोनों के साइन चेंज हो गए, यहाँ पे 4q और 4q कैंसिल हो गए और यहाँ पर 3 और यहाँ माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होते हैं, 2 मैंने लिखा और डिनोमिनेटर का 2 है, यहाँ पर कैंसिल कर दिया दोनों को, 1 निकला तो 1 आ गया। अब बताओ क्या 1 इवन तो है ना, 1 तो ऑड होता है, तो अगर ये ऑड होता है तो a माइनस b बाई टू ऑड निकला। तो देखिए बात तो प्रूफ हो गया, क्या बात प्रूफ हो गया, ये जो दो एलजेब्रा हमें बोला गया था a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू, इनमें से एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो हमें a प्लस बी बाई टू इवन मिला और a माइनस बी बाई टू ऑड मिला, तो प्रूफ हो गया। तो हम कंक्लूशन डाल देंगे यहाँ पर, कंक्लूशन क्या है, वन ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज ऑड एंड द अदर इज इवन, क्योंकि ये आप है ना खुद से बनाने की जरूरत नहीं, आप इसको क्वेश्चन में से निकाल के लिख सकते हो कंक्लूशन, या आप यहां से लेकर यहां तक एज इट इज कंक्लूशन में डाल सकते हो, वन ऑफ द टू नंबर्स a प्लस बी बाई टू एंड a माइनस बी बाई टू इज ऑड एंड द अदर इज इवन। ओके, इस तरह आप कंक्लूशन डाल दो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये थोड़ी सी ओवर रेटिंग, आप देख लो हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8 इफ एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो गिवन में हमारे पास क्या है, इफ एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमेशा इफ वाले पार्ट में गिवन पोर्शन होता है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाय 8, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए यहां पर बात हो रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की सिलेक्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहला सीरीज जिसमें हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाते हैं वो होता है, वो है इसमें देखिए यहाँ ये नहीं मेंशन किया कि कितने ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एक ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होने से भी चल जाएगा, जैसे अगर एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, तो जो 2q का सीरीज है उसमें भी आपको एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाते हैं, 4q का सीरीज अगर लेते हो तो उसमें से आपको दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिलते हैं, 6 में आपको 3 मिल जाते हैं, ऐसे होता है ना। तो आप पहला सीरीज में से 2q+1 लेके भी कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा ज्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए मैंने दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का सिलेक्शन किया और मैंने दो केस में चेक कर लिया कि इन्होंने जो बोला है ना ये बात सही है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या सच में 8 से डिविजिबल होता किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की वजह से। तो इसको डबल ही चेक करने के लिए मैंने इसमें दो केसेस बना लिए और फिर मैंने दो केस पे चेक किया। तो देखिए मैंने x यहाँ सेकंड सीरीज 4 वाले सीरीज से मेरे को दो ऑड नंबर मिल रहे थे तो मैंने दो ऑड नंबर यहाँ ले लिए x के वैल्यू के लिए। ठीक है, ये दो ऑड नंबर मैंने लिए। अब x का अगर वैल्यू 4q+1 है, केस वन हम करते हैं, एक बार केस वन करते हैं, इस ऑड नंबर को टेस्ट करते हैं इस अलजेब्रा में, देखते हैं क्या ये 8 से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता। तो मैंने ये अलजेब्रा यहाँ ले लिया और जो x का वैल्यू पहला वाला वैल्यू वो भी मैंने यहाँ ले लिया, इफ x इज इक्वल्स 4q+1 देन x स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। तो x में मैंने वैल्यू डाला 4q+1 और x के ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू पे भी स्क्वायर डाला, फिर माइनस 1, इसमें मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मैंने लगाया,
फिर ये माइनस वन एज इट इज कॉपी हो गया, ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस वन और माइनस वन कट गए, 16q² और 8q यहाँ बच गया। इसमें से मैं 8 कॉमन ले पा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं इसे 8 से डिवाइड कर पा रहा हूँ। इसे 8 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 2q² आता है और इसे 8 से डिवाइड करने पर सिंपली क्यू आता है। तो ये मैंने क्वेश्चन अदर लिख लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लिया, या फिर आप मतलब ये भी समझ सकते हो मैंने कॉमन लिया, 8 कॉमन ले लिया और ये बन गया समथिंग। तो इस समथिंग को मैंने एम ले लिया, मतलब 8 × m, ठीक है, 8 × m, m का वैल्यू यहाँ पर 2q² + q है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए 8m का मतलब है 8 का मल्टीपल, 8 × something मतलब 8 का मल्टीपल, तो इसका मतलब ये बन रहा है कि ये जो नंबर है x² - 1 ये 8 से डिवाइड हो गया। तो चलिए इसी तरीके से हम सेकंड केस भी चेक कर लेते हैं, ये डबल ही चेक हो जाएगा तो ये बात कंफर्म हो जाएगा कि सच में कोई भी ऑड नंबर की वजह से ये x² - 1 8 से डिवाइड होता है। तो सेकंड केस मैंने 4q + 1 लिया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोसेस, तो मैंने x को यहाँ पर 4q + 3 है और एलजेब्रा जो मेरे पास है x² - 1 उस पर हमने वैल्यू डाला। वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे वैल्यू जब डाला एक्स पे 4q + 3² और ये -1 एज इट इज, यहाँ पे इसमें a + b² लगा दिया, a + b² लगाने पर a² + 2ab + b², ओके 3 का² 9 हो गया। उसके बाद 9 में से 1 माइनस हो गया तो 8 आ गया। अब देखो इसमें ईच एंड एवरी टर्म 8 से डिवाइड हो रहा है, इसे 8 से डिवाइड करने पर 2q², इसे 8 से डिवाइड करने पर 3q, इसे 8 से डिवाइड करने पर 1 और 8 मैंने यह डिवाइजर बार लिखा हुआ है, मतलब कॉमन ले लिया। ओके जो भी अंदर बचा हुआ दैट इज समथिंग, समथिंग को मैंने एम ले लिया और डिफाइन कर दिया एम की वैल्यू कितनी है। तो फिर से 8 × something आ गया, मतलब 8 का मल्टीपल हो गया और 8 का मल्टीपल 8 से डिवाइड होता ही है ना, तो हम लिख सकते हैं दिस इज अगेन डिविजिबल बाय 8। तो ये बात चेक हो गया कि ये x² - 1 फॉर एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 8 से डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n n+2 and n+4 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब यहां पे तीन नंबर्स है n n+2 and n+4, इन तीनों में से एक ही डिविजिबल बाई 3 होगा। यहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब देखो आप इंफॉर्मेशन को ले लो, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई ऑड इवन की बात नहीं कर रहे, सीधी बोल रहे कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब ऑड इवन सब कुछ चलेगा, आपको ध्यान देना है पॉजिटिव इंटीजर्स लेना। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स के सीरीज क्या क्या होते हैं, हमने देखा था 2k सीरीज, 3k सीरीज, 4k सीरीज, 5k सीरीज, लेकिन कौन सा सीरीज सेलेक्ट करना ये डिपेंड करता है डिवाइजर पे। तो आप एक और चीज देखो, यहाँ पे हमें इन पे डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना है, मतलब डिवाइजर अगर 3 है तो सीरीज क्या बनता है। तो सीरीज 3 से डिविजिबिलिटी बाय 3 होने पे जो बनता है वही सीरीज हमने यहाँ पे ले लिया। लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो हम ले रहे हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स बी ऑफ द फॉर्म 3q, 3q + 1, 3q + 2। तो दो बातें मैंने यहाँ पे देखा, एक देखा पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा बात देखा डिविजिबिलिटी बाय 3, उसके हिसाब से मैंने एक सीरीज सेलेक्ट किया जो दोनों पे सही बैठ रहा। पहला बात ये सीरीज पॉजिटिव इंटीजर्स का सीरीज है, दूसरा ये डिविजिबिलिटी बाय 3 है। सीरीज सिलेक्ट होने के बाद आपको इन पे टेस्ट करना है ईच एंड एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स पे। तो मैंने सबसे पहले इस पे टेस्ट किया, फिर इस पे टेस्ट किया, फिर इस पे टेस्ट किया, तीन अलग अलग केसेस पे मैंने टेस्ट किया और ये चेक किया क्या सच में इन तीनों में से एक ही डिविजिबल है। क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ के देखो लिखा हुआ है इन तीनों में से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल होगा, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो मैंने इन तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये टेस्ट किया कि इन तीनों में सिर्फ एक ही डिविजिबल है कि नहीं। ओके तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो 3q है अगर मैंने इस पे टेस्ट किया तो मुझे क्या तीनों में से एक डिविजिबल मिलता है कि नहीं। ओके तो चलिए केस वन हम लेते हैं। केस वन मैंने n का जो वैल्यू है जो पॉजिटिव इंटीजर है वो मैंने ले लिया यहाँ पे 3q और फिर हमने इन तीनों पे वैल्यू डाले, इन तीनों पे मैंने यहाँ वैल्यू डाला। सबसे पहले n है तो n पे मैंने वैल्यू डाला क्योंकि n हमने 3q लिया तो यहाँ पे n पे 3q डाल दिया। फिर यहाँ पे देखो n+2 इस पे मैंने 3q डाला तो 3q n पे जब 3q डाला और साथ में +2 मैंने यहाँ लिखा और उसके बाद यहाँ n+4 है तो n पे मैंने 3q डाला +4 साथ में लिखा। हाँ यहाँ थोड़ा हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ब्रेक करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 4 को देखो, अब हम यहाँ पे वैल्यू तो डाल चुके हैं, वैल्यू डालने के बाद हमें ये टेस्ट करना है ना 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसमें चलते हैं ना सबसे पहले, तो देखो ये 3 × something के फॉर्म में आ रहा है तो जो भी 3 × something के फॉर्म में आता है वो तो 3 से डिविजिबल होता है, तो ये तो डिविजिबल हो रहा है। दूसरी बात 3 से डिवाइड करने पर देखो ये 3 से डिवाइड जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा क्योंकि ये 3 से कम है और 3 से कम होने से डिवाइड जाएगा भी नहीं क्योंकि इसे रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर कभी डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से।
इसकी बात करते हैं। देखिए मैं इसे थ्री को से डिवाइड करूंगा, थ्री ये तो थ्री से डिवाइड हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तो फोर का, फोर को हम थ्री से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, फोर को, फोर को अगर हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो फोर वन जा सॉरी थ्री वन जा थ्री, यहाँ रिमाइंडर वन आ रहा है, मतलब फोर को कैसे लिखेंगे, थ्री इंटू वन प्लस वन, है ना, थ्री इंटू क्वेश्चन प्लस वन, मतलब थ्री प्लस वन, तो मैंने फोर को ब्रेक कर दिया यहाँ पे थ्री प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये थ्री तो डिवाइड जा रहा है, ये थ्री भी डिवाइड जा रहा है, ये नहीं जा रहा और जाएगा भी नहीं क्योंकि वन थ्री से काफी कम है, मतलब रिमाइंडर है, तो इतना सा पोर्शन थ्री से डिवाइड हो रहा है, तो इनको मैंने थ्री से डिवाइड कर दिया, अगर थ्री से डिवाइड करे तो क्यू बचता है, इसको थ्री से डिवाइड करे तो वन बचता है, ठीक है, और जो थ्री से डिवाइड किया डिवाइजर मैंने बाहर रखा, मतलब कॉमन ले लिया, और ये जो प्लस वन रिमाइंडर है उसको अलग से रखा हुआ, तो देखिए ये जो समथिंग बन गया थ्री इंटू समथिंग, इस समथिंग को मैंने एम लिख दिया, थ्री इंटू एम प्लस वन, ठीक है, आ गया ये चीज। अब ये रिमाइंडर आ रहा है देखिए 3m प्लस 1, क्योंकि हमने जो 3 का सीरीज देखा था 3q, इसका मतलब 3 का मल्टीपल, फिर देखा था 3q प्लस 1, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3q प्लस 2, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इनमें रिमाइंडर आ रहे थे, इसी तरह इसमें रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड ये भी नहीं जा रहा, तो देखिए इन तीनों में से पहला वाला जा रहा है डिवाइड 3 से, लेकिन बाकी दोनों नहीं जा रहे, तो आप क्लियरली लिख दो हियर ओनली n इक्वल्स 3q, ये जो इसकी बात कर रहे हैं n इक्वल्स 3q इज डिविजिबल बाय 3, तो केस वन हमने इस पॉजिटिव इंटीजर पर टेस्ट किया जिससे हमें मिला कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही डिवाइड जा रहा है जो कि एन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे पॉजिटिव इंटीजर पे सेम टेस्ट करते हैं और देखते हैं इन तीनों में से कोई एक डिवाइड जाता है कि नहीं जाता, ओके। तो इस बार हम एन ले लेंगे 3q प्लस 1, तो ये हमने केस 2 यहाँ पे ले लिया। अब देखो केस 2, एन अगर 3q प्लस 1 है तो क्या होगा, तो सबसे पहले एन में वैल्यू डाला 3q प्लस 1, अब देखिए 3q प्लस 1, 3q और ये 1, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा क्योंकि जो भी ये 1 जो है 3 से कम है, मतलब ये रिमाइंडर है, इसमें रिमाइंडर आ रहा है 1, तो ये डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने एन प्लस 2 लिया, एन पे 3q प्लस 1 डालना है हमें, एन 3q प्लस 1 है तो n पे हमने 3q प्लस 1 डाला, और साथ में प्लस 2 हमने यहाँ पे नोट कर लिया प्लस 2, इसको सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 1 प्लस 2 3 आ गया। अब देखिए इस ये दोनों ही 3 से डिवाइड जा रहे हैं, तो मैंने 3 से यह कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर q प्लस 1 आ गया, तो बन गया 3 इंटू समथिंग, समथिंग को मैंने m रख लिया तो 3 इंटू m आ गया, मतलब 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 का मल्टीपल बन गया, ठीक है, ये डिवाइड जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे n प्लस 4, n पे मैंने 3q प्लस 1 डाला, प्लस 4 यहाँ पर है, 1 प्लस 4 5 होते हैं, 3q प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पर 3q प्लस 5 डिवाइड करते हैं, 3 आराम से डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड नहीं हो रहा, अगर हमने 5 को डिवाइड किया 3 से तो क्या होता है, देखो 3 रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब 5 को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2 ऐसे लिखेंगे, 3 इंटू 1 कितने हुए 3, 3 प्लस 2, सीधी बात 3 प्लस 2 लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर 5 को लिख लिया 3 प्लस 2। अच्छा 3 प्लस 2 लिखने के बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे इसने पोर्शन को 3 से डिवाइड करना है क्योंकि दोनों डिवाइड जा रहे हैं, मतलब 3 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्यू प्लस 1 आएगा, क्यू प्लस 1 को मैंने सीधा सीधा यहाँ पे m लिख दिया 3m, और जो रिमाइंडर प्लस 2 है उसको कॉपी कर लिया, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तीनों केसेस में हमने देखा जो सेकंड वाला है n प्लस 2, ये डिवाइड हो गया 3 से, ठीक है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल 3m के फॉर्म में आया, लेकिन बाकी ये इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है एंड ये इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है, दोनों ही डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे इन तीनों में से ओनली n प्लस 2 ये 3 से डिवाइड जा रहा है, ठीक। इसी तरह से केस 3 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास तीसरा पॉजिटिव इंटीजर था 3q प्लस 2, अब हम इस पे टेस्ट करेंगे, आप इस पे टेस्ट करके देखेंगे तीनों में से कोई एक डिवाइड जाता है कि नहीं जाता, ओके। ये केस 3 आपके साथ है, देखो ये n मैंने 3q प्लस 1 लिया, n मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इस बार हमने 3q प्लस 1 लिया और फिर हमने तीनों पर वैल्यू डाला, n पे डाला 3q प्लस 2, इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है, डिविजिबल नहीं है, n प्लस 2 में वैल्यू डाला, n पे वैल्यू डाला हमने यहाँ पर 2 और 2 प्लस किया 4 आया, 4 को ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1, और इतने पोर्शन से हमने 3 को कॉमन ले लिया। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ ये वाला क्योंकि आगे मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ कैसे हमने किया इसको। अब इसमें से 3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्यू प्लस 1 बच गया, क्यू प्लस 1 को मैंने m लिख लिया तो 3m, और ये रिमाइंडर प्लस 1 बचा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी रिमाइंडर आ रहा है, आप ध्यान से देखो रिमाइंडर, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट n प्लस 4, n प्लस 4 में हम n का वैल्यू डालते हैं 3q प्लस 2, 2 और 4 ऐड कर दो 6 आ गया। अब यहाँ दोनों ही डिविजिबल है 3 से, ये भी डिवाइड जा रहा है 3 से, ये भी डिवाइड जा रहा है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास q प्लस 2 बच गया, मतलब 3 इंटू समथिंग आ गया, समथिंग को m रख लो यहाँ पे, 3 इंटू m आ गया यहाँ पे, तो 3 इंटू m मतलब ये 3 का मल्टीपल है, डिविजिबल है, इन तीनों में से ये वाला डिवाइड जा रहा है, तो ओनली दिस इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने ये
जो क्वेश्चन हमारा है इसको हमने प्रूफ कर लिया। हमें प्रूफ करना तीनों में से एक हमेशा ही डिवाइड होगा, तीनों में से सिर्फ एक ही डिवाइड होगा। तो आप कंक्लूशन अब लिखोगे, 10 करके लिखोगे, 10 वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस 3 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहां से यहां तक कंक्लूशन लिख दो 10 लिख के, बस ये आपका सम खत्म हो गया। ओके चलिए चलिए, अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आप यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, ये आपके लिए होमवर्क है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, ये आप मुझे सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो। ओके ये आपके होमवर्क है, चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू।